WWE के 10 सबसे पेनफुल मूव्स। नंबर 1, द F5। ब्रॉक लेसनर का फिनिशर इतने समय से F5 होने के पीछे एक वजह है। ये मूव देखने में बहुत दर्दनाक लगता है और खतरनाक भी। अब उस सबसे पेनफुल और खतरनाक बीट डाउन को कौन भूल सकता है, जिसकी वजह से लेसनर ने जख्मी हालात में भी जैक गोवन को एक स्टील पोस्ट पर F5 दिया था। ब्रॉक लेसनर का पूरा परसोना ही यही है कि वो कभी ना रुकने वाले एक बीस्ट है, और इसलिए कंपनी ने ऐसे कई सारे सेगमेंट किए हैं जिसमें F5 एक अल्टीमेट फिनिशर बन चुका है। F5 असल में एक इन्वर्टेड फ्लैग जैक है, लेकिन जिस तरह लेसनर अपोनेंट को घुमाते वक्त उन्हें ऊपर उठाते हैं, उस वजह से ये और भी खतरनाक और दर्दनाक बन जाता है। यहाँ तक कि रॉड डॉक ने अपने पोस्टकास्ट यू डिडेंट नो पर F5 के बारे में एक फनी सेगमेंट भी बताया था, जो उनके नाक और प्राइवेट पार्ट के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा था। गाइज, नंबर 2, द बंजाई ड्रॉप। बंजाई ड्रॉप हमेशा से एक रिस्की मूव रहा है। हालांकि अगर आपका वजन 100 पाउंड से कम का है तो ये मूव खास असरदार नहीं है, क्योंकि द रॉक और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन जैसे रेसलर इस मूव का इस्तेमाल करते हुए भी नहीं दिखे हैं। यह मूव आमतौर पर सुपर हेवी वेट रेसलर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि योकोजुना। 600 पाउंड के इस रेसलर ने इस मूव को काफी गलत कारणों से फेमस बना दिया था। इनमें से एक वजह यह है कि एक बार योकोजुना ने इस मूव से एक रेसलर के रीब केज लगभग तोड़ ही दिया था, और ये हैरानी की बात है कि वो रेसलर पैरालाइज नहीं हुआ। लेकिन ऐसा अफवाह है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि ऐसी भी अफवाह है कि योकोजुना ने ऐसा जानबूझकर किया था क्योंकि उन्हें वो रेसलर पसंद नहीं था। खैर, जो भी हुआ, लेकिन ये मूव सच में किसी का भी चेस्ट और रिब केज गंभीर रूप से घायल कर सकता है। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 3, चॉप्स। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं अगर गुंथर पूरे एक घंटे तक लगातार अपने अपोनेंट पर चॉप करते रहे? चॉप इस लिस्ट पर इकलौता मूव है जो किसी रेसलर को हमेशा के लिए रिंग से बाहर नहीं कर सकता, लेकिन इसको झेलने वाले रेसलर का चेस्ट मैच के बाद पूरी तरह से लाल हो जाता है और चॉप्स पेनफुल होते हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्ट के बीच में बचाने के लिए कोई कसर नहीं होता, और क्योंकि प्रोफेशनल रेसलिंग मैचेस खतरनाक लगने चाहिए और असली, चॉप्स एक हद तक सेफ होता है और इनका दर्द ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मार्शमेलोज के एक बादल पर गिरने जितना कम दर्द नहीं होगा। नंबर 4, DDT। DDT एक बहुत पुराना मूव है। हालांकि बहुत लोग जैक द स्नैक रॉबर्ट्स को इस मूव को बनाने का क्रेडिट देते हैं, लेकिन रॉबर्ट्स का मूव CM Punk के GTS से काफी मिलता जुलता ही है। इन दोनों ही रेसलर ने एक आम मूव को बहुत ही फेमस बना दिया। क्लोथ लाइन की तरह ही DDT भी एक खास मूव है, जो एक आम तौर पर एक सिंपल मूव की तरह भी किया जा सकता है और एक शानदार फिनिशर के तौर भी। DDT के बहुत सारे अलग अलग वर्जन हैं, लेकिन जैक रॉबर्ट्स का क्लासिक मूव DDT उनके अपोनेंट को जख्मी करने के लिए काफी है। मिक फॉली, एज, रॉक या ड्र्यू मैकइंटायर में से कोई भी अगर गलती से अपने अपोनेंट के गर्दन मैट पर मार देगा तो ये उनके कैरियर को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। ऐसा ही कुछ चार्ली हैज के साथ हुआ था, जिनका कैरियर मैकइंटायर के एक फ्यूचर शॉक DDT के बाद कभी पहले जैसा नहीं रहा। DDT इतने सालों से प्रोफेशनल रेसलिंग में इसलिए है क्योंकि एक ये साधारण मूव है जो अभी भी किया जा सकता है, और हालांकि इसका इंजरी रेट एक पाइल ड्राइवर की तरह ही है, लेकिन ये पक्के तौर पर किसी को भी रात भर के लिए दर्द दे सकता है। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 5, ब्रेट्स टर्नबकल स्पॉट। ब्रेट हमेशा से ही बेस्ट थे, बेस्ट है और बेस्ट रहेंगे। ब्रेट का हमेशा ही इस बात के लिए सम्मान होता है कि वो अपने अपोनेंट को रिंग में सेफ रखते हैं, और इतना ही नहीं, ब्रेट अपने अपोनेंट को अच्छा दिखाने के लिए सारी हदें पार कर सकते हैं। ब्रेट हार्ट के पास अपने फैंस का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, जिनमें से एक था उनका सिग्नेचर बम्प, जिसमें वो अपना स्टंप टर्न बकल में दे मारते थे। ब्रेट इस स्पॉट के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, और उन्होंने बताया कि इसकी शुरुआत उनके स्टैम्पीड के दिनों में हुई थी। जब उन्होंने पहली बार किया था तब उनके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वह मुड़कर अपनी पीठ टर्न बकल पर मार सके, इसलिए उन्होंने आगे से टक्कर मार दी थी। उन्होंने ऐसा 2 से 3 बार किया और उन्हें पता लगा कि फैंस हमेशा ये देखकर चौंक जाते थे, और इसलिए यह उनके मैचेस में अक्सर होने लगा। ये स्पॉट हमेशा ही खतरनाक लगता है, और ब्रेट हार्ट की शानदार सेलिंग इसको और भी खतरनाक और ओरिजिनल बना देती है। इस एक बम से हार्ट ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ किया, और उसके बाद सबका ध्यान उन्हीं के ऊपर रह गया। इसकी वजह से इतने सारे लोग उन्हें प्लेनेट के सबसे बेहतरीन टेक्निकल रेसलर मानते हैं, क्योंकि ब्रेट इस बिजनेस को अंदर से समझते थे और उन्होंने अपने हर एक टाइम पे इसका बिल्कुल सही इस्तेमाल किया था। ऐसा तो मानना ही पड़ेगा कि वो सेल इतना असली इसलिए लगता है क्योंकि शायद सच में वो करना बहुत दर्दनाक होता था।